भूल ही गई है क्या आने की मुझे कद्दू की सब्जी, हरी प्याज आलू की सब्जी, हरी प्याज नहीं मूली का बीज होते चीज है। इसको भी पसंद है, आजा तुझे भी तेरी उंगली भी खाऊंगा, आजा थैंक यू लोते भाई। हाय गाइस बोलो, हाय गाइस बोलो, हाय हाय। तो इसको देखो दो सेमी, हाय गाइस बोलो, हाय गाइस। उसको उसको कह रहा है मूड नहीं है, पिज्जा ही पिज्जा है आज उनके खाने में। तो मार्केट में चूज करके उसमें कॉर्न की टॉपिंग करा लो भाई, मेरे को बहुत ही आप पता मार्केट रेट करके कॉर्न की टॉपिंग कराओगे थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, चीज ज्यादा चीजी भी होता है, कॉर्न चीज लोगे ना अगर मीडियम तो महंगा ही पड़ेगा वो और उतना अच्छा नहीं होता। तो मेरे को अभी जाना है शादी में, मैं मेरे देवर जा रहे हैं क्योंकि वो वाली शादी में नहीं गए जिसमें मेरे बाकी इन लॉज गए हैं वो, और मैं यहाँ के अटेंड कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही हमारी खास की शादी है तो दोनों जगह होना जरूरी है, तो मेरे देवर और मैं क्योंकि उनका ऑफिस भी है तो वो मैं जा रहे हैं। यहाँ कहाँ जाना है तुझे, कहाँ जाना है, हैं दिमाग खराब कर दिया मैंने तेरा, सॉरी बहन जी। तो वो है साड़ी वहाँ रखी हुई वो, और इयररिंग्स में ना मेरे पास तीन ऑप्शन है, वैसे है तो चार पांच बट मैंने उनमें से तीन चूज किया, तो मैं ग्रीन वाला करूँ जो कॉन्ट्रास्ट में इसके साथ चले जाएगा, या तो फिर मैं ये पिंक वाला पहनूँ जो कि थोड़ा सा अलग कलर है बट डेफिनेटली इसमें जाने वाला है। तो दीदी कर रही है मेकअप, और इन दोनों को देखो टीवी देख रहे हैं दोनों। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड जो कुछ भी मैंने पहना है इयररिंग से लेके स्वेटर से लेके साड़ी से लेके हाँ और मेकअप से लेके ए टू जेड चीज़ें, इवन बिंदी भी सिंदूर लिपस्टिक सब कुछ भाभी से उधार लिया हुआ है मैंने। मैं एक्चुअली ना जब भी यहाँ आती ना अपने मायके में कुछ नहीं लाती तो मुझे पता था शादी में जाना पड़ सकता है, बट मुझे भी पता था कि वहाँ पे मेरी भाभी रहती है उनके पास सब कुछ है तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं होती। तो अभी बेसिकली शादी में ना मैं और जग्गू जाने वाले हैं, तो जग्गू निकलने वाले हैं वहाँ से, निकलते ही फ़ोन करेंगे फिर मैं उनको, बिल्कुल मेरे ना घर के मतलब दो मिनट के रास्ते पे यहीं पे बस पास में इसलिए मैं जा पा रही हूँ, नहीं तो गुन्नू को छोड़ के दूर तो जाना पॉसिबल हो ही नहीं पाता, अगर हो पाता तो गुन्नू के साथ ही हम जहाँ मम्मी और गए वहाँ चले जाते। सबसे अच्छी बात यह कि गुन्नू भी सो गई है, उसे नहला दिया था जल्दी से टाइम से क्योंकि मुझे आने में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, एक घंटे वैसे मुझे आना ही है बट गुन्नू के लिए नहाने के लिए लेट हो जाएगा, वो रात में ही नहाती है तो, और नहाने के बाद ना वो सो गई है, उससे पहले वो सो ही नहीं रही थी तो अच्छा वो हमने उसे नहला दिया चुप करके भाभी के गोदी में सो गई, और भाभी है तो मुझे टेंशन भी नहीं है उतनी, भाभी के पास वो आराम से सो जाती है आराम से नहा लेती, वो ना आ गया शायद वो निकल गए। हेलो Oh,
चटनी सब कुछ पड़ा हुआ चटनी है। आप
मम्मी अब भी खोल के दे दे। मैं चम्मच लेके आती हूँ। तो गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ एंड जग्गू चले गए हैं। नेहा भी आई थी, नेहा के पापा भी आए थे मेरे जेठ जी, तो वो तीनों चले गए हैं। मैं भी घर के नीचे ही पहुंच गई हूँ एंड बहुत ज़्यादा खा लिया, अब तो मेरे को नींद आ रही है। खाना बहुत ज़्यादा सच में अच्छा था, पर अब ये कमेंट मत करना, इसकी तो थाली भरी रहती है। मेरी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है आपको पता है, और मुझे ना सब कुछ ट्राई करने की इच्छा होती है, सब कुछ, मतलब टिक्की नहीं खाती हूँ पर फिर मैं शादी में टिक्की लेती हूँ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को खुजली है अंदर की। एक बार सब चीज़ ट्राई करते हैं, तो मैं थाली में भी अपना सब कुछ ले लेती हूँ, ए टू जेड चीज़ें, तो थोड़ी भरी भरी लगती है बट काफ़ी मज़ा आया। डांस वगैरह तो नहीं किया हमने क्योंकि टाइम की भी कमी थी, और जब मैं निकल रही थी ना तो बारात आ गई थी गेट पे थी। तो यार अब मैं ब्लॉग का एंड भी कर रही हूँ, मज़ा के कपड़े चेंज करती हूँ। गुन्नू उठी है नहीं उठी पता नहीं, मम्मी का फ़ोन तो आया था, शायद उठ गई होगी इसलिए आया था। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।